मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक एस्ट्रोनॉट जॉन को देखते हैं। वो अभी अपने हाइबरनेशन पॉड से निकला और फ्रेश होने के बाद अपने स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में आया, जहाँ से अपने दो और साथी मिले। ये तीनों इस टाइम अपने स्पेसशिप के मेंटेनेंस वर्क में लगे हुए थे और जाना था इन्हें प्लैनेट सैटर्न के मून तक। इनका मिशन था वहाँ पहुँच कर वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, जिसे वापस दुनिया में लाकर इस्तेमाल किया जा सके। इनका ये सफर लगभग 9 साल चलने वाला था। इतने बड़े सफर में ज्यादातर के लोग अपना वक्त सो कर गुजारते थे। कुछ टीम बाद के लोग अपने हाइबरनेशन पॉड से निकलते थे, अपने स्पेसशिप की मेंटेनेंस को चेक करते थे और इसकी रिपोर्ट अर्थ पर देते थे, और ये करने के बाद ये लोग 90 दिन के लिए दोबारा सो जाते थे। हाइबरनेशन की इतनी लंबी नींद लेने के लिए इन्हें ड्रग्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता था। यहाँ के सारे काम करने के बाद हम देखते हैं कि जॉन कंफ्यूज है। नैश के पूछने पर वो बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड का ना तो फुल नेम याद आ रहा है और ना ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज़ याद रही। ये सुनकर नैश उसे कहता है, अरे कोई बात नहीं, हाइबरनेशन के लिए जो हम ड्रग्स लेते हैं ये उसका साइड इफेक्ट है, उसकी वजह से हमें काफी सारी बातें भूल सकते हैं, लेकिन घबराओ नहीं, ये फिर तुम्हें याद आ जाएंगी। खैर, अपने स्पेसशिप के सारे सिस्टम चेक करने के बाद जॉन अर्थ पर रिपोर्ट करता है कि यहाँ पर सब ठीक है, ये लोग स्लिंगशॉट के ऊपर ही है, यानी उस पाथ उस रास्ते के ऊपर ही है जिस पे चलते हुए ये लोग सैटर्न के मून तक पहुंच जाएंगे। अपनी रिपोर्ट देने के बाद इन लोगों को दोबारा सोना था, और सोने से पहले जॉन याद करता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड जोई आखिर पहली मर्तबा मिले कब थे और किस तरह मिले थे। जोई उसकी ऑफिस क्लीग और उसकी मिशन ट्रेनर थी। ये सब याद करते हुए आखिर उसे जोई का पूरा नाम भी याद आ जाता है, जिसके बाद वो दोबारा अपने हाइबरनेशन पॉड में सो जाता है। अब ये लोग जब अगली मर्तबा अपने हाइबरनेशन से उठे तो इस टाइम जॉन सबसे पहले उठा था। ज्यादा सोने की वजह से उसे चक्कर भी आ रहे थे। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो यही करीब ही बैठ गया। अचानक उनके स्पेसशिप को एक जोरदार झटका लगा और जॉन ने ऊपर देखा तो एक सीलिंग के स्क्रू निकल रहे थे। ऐसे सीलिंग पैनल निकल कर उसके सर पे लग जाता है और वो वहीं बेहोश। उसके दोनों साथी जब हाइबरनेशन से निकलते हैं तो उसे बेहोश पाते हैं। उन्होंने ऊपर सीलिंग का टूटा हुआ पैनल भी देख लिया था। ये सब कैसे हुआ था ये जानने के लिए ये लोग कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस चेक करते हैं, और तब उन्हें मालूम होता है कि इनकी स्पेसशिप को एक बहुत बड़ा झटका मिला था, जिसकी वजह से स्पेसशिप के काफी सारे इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो गए हैं। शिप किस हद तक डैमेज हुई थी ये पता चलाने के लिए जब ये लोग शिप के कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर इन्हें शिप में किसी डैमेज का पता नहीं दे रहा था, और ये चीज जानकर नैश बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो गया, घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि शिप का कंप्यूटर उन्हें काफी सारी चीजों के बारे में नहीं बता रहा और ऐसे किसी भी मुश्किल वक्त में उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। अब नैश का मानना था कि ये शिप आगे सफल करने की काबिल नहीं रही, और अगर ये लोग स्लिंगशॉट को कंटिन्यू करते हुए सैटर्न के मून तक पहुंचने की कोशिश करते भी हैं तो रास्ते में ये लोग मारे जाएंगे। जॉन के होश आने पर नैश ये बात जॉन को भी बताता है कि अब उनकी शिप आगे सफर करने के काबिल नहीं रही, उनकी शिप में कुछ बहुत बड़े फॉल्ट्स हैं, ऐसे में ये सफर कंटिन्यू करते हैं तो ये मारे जाएंगे। उसने ये चीज अपने कैप्टन फ्रैंक से भी डिस्कस की थी, लेकिन फ्रैंक ने वापस अर्थ पे जाने से मना कर दिया। वो जॉन से कहता है, तुम यकीन मानो मेरा, हमारी जान खतरे में है, हमारे पास एक ही रास्ता है, वो बस ये कि हम नेक्स्ट हाइबरनेशन में कैप्टन से 12 घंटे पहले उठ जाएंगे और शिप को रीप्रोग्राम करके स्लिंगशॉट अर्थ की तरफ कर देंगे। जॉन नैश की बात मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो पहले खुद हर चीज की जांच करेगा, और अगर उसके कहे के मुताबिक सचमुच इस शिप के अंदर कुछ गड़बड़ है तो ही बस वो नैश की मदद करेगा। अब प्लान के मुताबिक अगली मर्तबा ये लोग 12 घंटे पहले उठ जाते हैं। नैश की हालत इस टाइम शदीद खराब थी, वो बहुत ज्यादा पैनिक हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि शिप का सिस्टम अब काम नहीं कर रहा और ये लोग जल्द ही मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जॉन उसे काम डाउन करता है और फिर शिप के सारे सिस्टम को खुद चेक करता है। उसके मुताबिक शिप में कोई ऐसा मसला नहीं था जिसकी वजह से ये अपने मिशन को दरमियान में छोड़ देते। अभी ये दोनों ये बातें ही कर रहे थे कि अचानक उनके पीछे कैप्टन फ्रैंक भी आ गए, जिन्हें देखकर ये दोनों घबरा गए क्योंकि उनके जागने में अभी काफी वक्त था। कैप्टन फ्रैंक तब इन्हें बताते हैं कि पिछली मर्तबा किचन में बैठ कर जब ये लोग बातें कर रहे थे तो उनकी सारी बातें कैप्टन फ्रैंक ने सुन ली थी, और इन्हीं की तरह उन्होंने भी अपना हाइबरनेशन पॉड से निकलने का टाइम 12 घंटे पहले कहीं सेट कर लिया था। अब फ्रैंक जॉन को बताते हैं कि शिप में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसकी वजह से उन्हें ये मिशन अबॉर्ट करना पड़े। जॉन भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। यहाँ फ्रैंक उससे प्रॉमिस करते हैं अगर मिशन में कोई भी प्रॉब्लम हुई
तो मैं खुद इस स्पेसशिप को दोबारा अर्थ की तरफ मोड़ूंगा। वो लोग ये बात कर रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैश की हालत बिगड़ चुकी है। वो पैनिक कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर वो लोग अपने मिशन को कंटिन्यू रखते हैं तो जल्द ही वो मर जाएंगे। उन्हें फौरन अर्थ पे वापस चले जाना चाहिए। उसकी ऐसी हालत को फ्रैंक आकर जबरदस्ती बुरी तरीके से कंट्रोल करता है। और जबकि अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जॉन की भी हालत बिगड़ने लगी थी। उसे भी अब ऐसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे कि जैसे उसकी गर्लफ्रेंड सोई इस स्पेसशिप में उसके साथ ही हो। हालांकि वो जानता था कि सब सच नहीं है। अब वो उस स्टीयरिंग पैनल के नीचे से घुस रहता है जिसकी वजह से वो पहले बेहोश हुआ था। उस स्टीयरिंग पैनल को उसके एक साथी ने जोड़ दिया था। नैश की बातों को सोचते हुए वो स्टीयरिंग पैनल को खोलता है और चेक करने के लिए जाता है कि आखिर खराबी हुई भी थी या नहीं। अंदर जाने पे उसने देखा कि काफी सारी तारें स्पार्क कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इस स्पार्क की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है और स्पेसशिप बाहर की तरफ से टूट जाती है। अंदर की ग्रेविटी अब यहाँ वर्क नहीं कर रही थी। बाहर से आने वाला प्रेशर तेजी से जॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन जॉन यहाँ स्पेसशिप के कुछ पार्ट्स पकड़ कर अपने आप को स्पेसशिप के अंदर रखने की कोशिश में था। लेकिन जल्द ही वो अपने आप को बचाने में नाकाम रहा और एकदम से स्पेसशिप के बाहर स्पेस में गिर गया। उसके बाहर गिरते ही यहाँ असल में जॉन को होश आता है और हमें मालूम होता है कि ये सब जो अभी हमने देखा वो सिर्फ जॉन की हेलुसिनेशंस थी। ये लोग अब अपने हाइबरनेशन पॉड के अंदर वापस जाने चाहते हैं। जब अगली बार पर ये लोग उठे तो इन्हें मालूम हुआ कि इनके मिशन का पीक टाइम आ चुका है। इन्हें अब अपना स्लिंगशॉट चेंज करना था, यानी जिस ऑर्बिट जिस पाथ के ऊपर ये लोग सफर कर रहे थे इन्हें वो चेंज करना था। नैश सबके हक में नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी स्पेसशिप के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन कैप्टन फ्रैंक और जॉन ये मिशन दरमियान में छोड़ने के हक में नहीं थे। इसलिए वो दोनों अकेले ही सारे कैलकुलेशंस करते हैं और फिर स्लिंगशॉट चेंज कर देते हैं। उनकी स्पेसशिप में एक बहुत बड़ा झटका आता है और स्पेसशिप में बहुत सारे अलार्म बजने लगते हैं। स्पेसशिप का सिस्टम ओवरलोड होने के सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन तभी कैप्टन फ्रैंक ने ये मिशन रोका नहीं और इसे कंटिन्यू रखने के लिए बटन दबा दिया। नैश को लगा बस अब ये लोग मर जाएंगे, लेकिन अगले ही पल इन्हें मालूम हुआ कि ये लोग सेफली अपना स्लिंगशॉट यानी अपना पाथ चेंज कर चुके हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसे ये लोग यहाँ पर सेलिब्रेट भी करते हैं। आगे कुछ दिनों के लिए इन्हें अपने पाथियों पर नजर रखने के लिए जागते रहना था। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए जॉन यहाँ पे एक्सरसाइज करता है और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी दिमागी हालत उसे ज्यादा कुछ करने दे नहीं रही थी। उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे ऐसे जैसे सोई उसकी आगे पीछे हो। तब कैप्टन फ्रैंक उसे यकीन दिलाते हैं कि सोई यहाँ स्पेसशिप के अंदर नहीं है। दूसरी तरफ एक खाली जगह के अंदर हम नैश को देखते हैं जिसकी हालत अब बिगड़ती जा रही थी। जॉन के पूछने पर वो बताता है कि अब उसे अपने मॉम डैड के नाम और उनके चेहरे तक भूल गए हैं। और जॉन उसे कहता है तुम जानते तो हो कि हाइबरनेशन ड्रग्स की वजह से है। तब नैश जवाब देता है मैं कैसे यकीन दिलाऊं, मेरे साथ कुछ सच में बुरा हो रहा है, मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे अब नंबर्स भी सही से समझ नहीं आ रही है। ये लोग बातें कर रहे थे कि इन्हें कंट्रोल रूम के अंदर कैप्टन फ्रैंक बुलाते हैं। वहाँ पर उनके कैलकुलेशन में कुछ खराबी आ रही थी जो उनके स्क्रीनशॉट को चेंज कर सकती थी। जॉन और नैश मिलकर यहाँ इन कैलकुलेशंस को ठीक करते हैं और फिर नैश इन्हें बताता है कि इनके सिस्टम का लो लेवल कमांड रिएक्टर खराब हो रहा है और ये सारी प्रॉब्लम्स उसी की वजह से हो रही हैं। ये बात तो अब जॉन भी जान गया था और हालत उसकी भी खराब हो रही थी। कैप्टन फ्रैंक जानते थे कि ये दोनों वापस नेस्ट पे जाने की बात करेंगे, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी गन निकाल देते हैं और इन दोनों को ब्लैकमेल करते हुए इनके हाइबरनेशन पॉड में जाने को कहते हैं। जॉन तो उनकी बात मानते हुए हाइबरनेशन पॉड में चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने देखा कि फ्रैंक नैश को टॉर्चर कर रहा था। फ्रैंक ने नैश के सर के ऊपर एक गन से हमला किया और वो आकर जॉन के हाइबरनेशन पॉड के ऊपर गिरा। इसके बाद क्या हुआ वो जॉन नहीं देख पाया क्योंकि वो सो गया था। अगले मरतबा जब जॉन हाइबरनेशन पॉड से उठा तो उसे यहाँ कोई नजर नहीं आया। एकदम से उसके पीछे कैप्टन फ्रैंक आ गए जिनसे उसने नैश के बारे में पूछा। तो फ्रैंक ने बताया कि नैश बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया था, इसीलिए मुझे जबरदस्ती उसे हाइबरनेशन पॉड के अंदर कैद करना पड़ा है। ये बात करके जॉन अपने काम पे लग जाता है, यानी अपने शिप के मेंटेनेंस वर्क में लग जाता है, जहाँ बैठ कर उसने नोटिस किया कि उसका बाजू अजीब तरीके से नीला पड़ा था। शायद ये उसकी हाइबरनेशन ड्रग्स का असर था। एकदम से उसका बाजू काला होते होते आखिर फट जाता है और अजीब सी एलियन की तरह की शक्ल ले लेता है, जो देखकर जॉन खुद भी डर गया। लेकिन अगले ही लम्हे
उसे पता चला कि ये भी सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन थी। उसका पासवर्ड बिल्कुल ठीक था। अब डॉन को बार बार पहले की तरह ही जोई के भी हेलुसिनेशंस आ रहे थे। वो जोई से बहुत प्यार करता था, शायद इसलिए वो उसकी माइंड से निकल ही नहीं रही थी। और तब फ्रैंक उसे एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत बताता है, वो ये कि उसका और जोई का रिलेशन कभी था ही नहीं। असल में जोई उनकी मिशन ट्रेनर थी और कंपनी ने उसे जॉन से पब्लिक प्लेसेस में मिलने को इसलिए कहा था ताकि वो जॉन की मेंटल हेल्थ के बारे में पता चला सके और ये जान पाए क्या वो इस मिशन के लिए सूटेबल है या नहीं। ये बात सुनकर जॉन गुस्से से पागल हो जाता है और फ्रैंक से कहता है, तुम कौन होते हो मेरे या मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी कमेंट करने वाले, प्लीज मेरे पर्सनल मामला से दूर रहो। जॉन अब वापस कंट्रोल रूम की तरफ आ गया था क्योंकि उसे अपना रेडियो सिस्टम मेंटेन करना था। वो अपने पूरा ध्यान लगाकर काम करना चाहता था पर जोई और उसकी यादें उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। अभी वो इन सारी सोचों में उलझा हुआ था कि तभी उसे रेडियो के जरिए कोई कॉन्टेक्ट करता है और उसे बहुत सारे सवाल पूछता है। इससे पहले कि जॉन किसी एक भी सवाल का जवाब दे पाता, ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और फौरन फ्रैंक उसके पास आता है और पूछता है, तुम किससे बातें कर रहे थे। जॉन यहाँ कुछ नहीं बोलता और तब फ्रैंक उसे कहता है, चलो अच्छा अब तुम्हारा दोबारा हाइबरनेशन साइकिल में जाने का टाइम हो गया है। जॉन अभी दोबारा हाइबरनेशन में नहीं जाना चाहता था लेकिन वो ये भी जानता था कि कैप्टन फ्रैंक अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसीलिए वो फ्रैंक को कंट्रोल रूम के अंदर ही बंद कर देता है और उसे कहता है, मैं तभी हाइबरनेशन पॉड में जाऊंगा जब तुम मुझे नैश से मिलवाओगे। तब फ्रैंक कहता है, पागल हो गए हो, मैं उसके हाइबरनेशन साइकिल को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ऐसे में कुछ भी गलत होने का खतरा है, तो मेरी बात मानो, अभी तुम जाकर सो जाओ, अगली बार इतवार जब तुम उठोगे तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अभी हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि जब तक हम सेट्रम की मुद्दत तक ना पहुंच जाए उसे ना ही जगाया जाए। यहाँ बातों में भला फुसला कर फ्रैंक जॉन से अपना दरवाजा खुलवा लेता है और फिर फौरन ही उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे जबरदस्ती हाइबरनेशन पॉड में जाने को कहता है। जॉन ने देखा था कि किस तरह जब नैश ने उसकी बात नहीं मानी थी तो फ्रैंक ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। अब पहले से ही अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ फ्रैंक से ही लड़ने लग जाता है उसके हाथ से उसका वेपन लेने के लिए। इन दोनों के दरमियान में अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो जाती है और ये गन लेने के चक्कर में जॉन फ्रैंक का नाक तक तोड़ देता है जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो गया था। उसे अब पागलों की तरह हेलुसिनेशंस आ रहे थे जोई की और डिफरेंट चीजों के। वो सब चीजों से ध्यान हटाकर दोबारा कंट्रोल रूम में जाता है और सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए नैश को ढूंढने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो नैश को ढूंढ पाता यहाँ दोबारा फ्रैंक आ गया। फ्रैंक उसके ऊपर हमला करने ही वाला था लेकिन जॉन ने उससे पहले ही फ्रैंक के ऊपर हमला करके उसे इतना मारा कि वो जान से ही मर गया। वो अब इस शिप में और कुछ गलत होने नहीं देना चाहता था। दोबारा वो कंट्रोल पैनल तक गया और उसने AI से अपने बाकी क्रू मेंबर्स के बारे में पूछा और ये जानकर तो उसके होश ही उड़ गए कि इस शिप में कोई और क्रू मेंबर था ही नहीं। शुरू से अब तक इस शिप के अंदर सिर्फ एक ही क्रू मेंबर है और वो खुद है जॉन। अब जॉन AI से जब अपना पूरा नाम पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसका पूरा नाम जॉन फ्रैंक नैश था और अभी तक जो दो करेक्टर यानी नैश और फ्रैंक हम देखते आ रहे थे वो दोनों ही उसकी हेलुसिनेशंस का पार्ट थे। और जैसे ही ये सारी हकीकत जॉन को पता चलती है कि अभी तक उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे और वो इस शिप के अंदर सिर्फ अकेला है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। अब उसने अल्ट से कॉन्टेक्ट किया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी उसके साथ क्या हो रहा है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि दूसरी तरफ से जोई ही जवाब देती है। असल में उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से जॉन को हाइबरनेशन ड्रग एक मरतबा ज्यादा दे दी गई और इसी की वजह से वो अब तक हेलुसिनेट कर रहा था। ये सारी बात जानने के बाद वो जोई से कहता है कि बस वो अब इस मिशन को और कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो अर्थ पे वापस आना चाहता है। और तब एक और शॉकिंग ट्विस्ट उसे ये पता चलता है कि वो अभी तक किसी स्पेसशिप के अंदर था ही नहीं और ना ही वो कोई स्पेस ट्रेवल कर रहा था। उसे स्पेस ट्रेवल की ट्रेनिंग देने के लिए एक फैसिलिटी के अंदर रखा गया था जो बिल्कुल एक स्पेसशिप जैसी थी। इस फैसिलिटी के इस खास कंपार्टमेंट को जो कि बिल्कुल स्पेसशिप की तरह बनाया गया था उसे जमीन के तकरीबन 1000 फीट अंदर की तरफ बनाया गया था ताकि हाइबरनेशन ड्रग और हाइबरनेशन के सारे इफेक्ट्स अच्छी तरह पता चल पाए। जॉन इस सब चीजों को लेकर बुरी तरह कंफ्यूज था। वो जोई से बताता है कि वो स्पेस में इस टाइम जुपिटर को देख पा रहा है, उसके सामने स्लिंगशॉट है। तो यहाँ जोई उसे बताती है कि ये सब भी जो उसे नजर आ रहा है वो उसकी हेलुसिनेशन का ही एक पार्ट है। इन्हीं की बातों से हमें पता चलता है जो एक मरतबा पहले शिप में झटका लगा था और शिप का सीलिंग पैनल टूट के गिरा था वो अर्थक्वेक किन्हीं जलजले की वजह से हुआ था। और जब इन्हीं झटकों की वजह
जॉन कैमरास में ढूंढने गया था तो उसे कुछ खास नहीं मिला था। उसी जलसले की वजह से जॉन के हेडक्वार्टर से कॉन्टेक्ट भी टूट गए थे और जोई उसे ओवरडोज होने के बारे में कुछ नहीं बता पाई थी। लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब जोई से कहते हैं तुम आराम से इस फैसिलिटी से बाहर आ सकते हो। एयरलॉक की तरफ जो दरवाजा है तुम्हें वो इस फैसिलिटी से बाहर ले आएगा। जोई के कहने के मुताबिक अब वो भी दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर जाने लगता है तो एक और मर्तबा फ्रैंक उसके सामने आ गया। फ्रैंक ने उसे बाहर जाने से मना किया, उसे वार्न किया कि बाहर मत जाओ। लेकिन जॉन को लगा कि शायद वो अभी भी हेलुसिनेट कर रहा है, इसीलिए वो बाहर आ गया। बाहर एक टूटी बिखरी सी जगह थी, उसके इर्द गिर्द एक मैकेनिकल सिस्टम बना हुआ था और रेडियो से जोई से कह रही थी तुम हमारे ऊपर बिलीव रखो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे पहले कि वो आगे बढ़ जाता उसके सामने एक बंद दरवाजा आ जाता है और इस टाइम उसे रियलाइज होता है कि अभी जो सब उसने सुना और देखा वो उसकी हेलुसिनेशन थी। वो सच में एक स्पेस मिशन के अंदर स्पेस में ही था अभी तक। और बस यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।